डबल एक साल 600 का दो। तो आज हम आ चुके हैं दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मार्केट में से एक, लाजपत नगर मार्केट। जी हाँ, लाजपत नगर मार्केट आज हम पहुंच चुके थे मेट्रो स्टेशन से, और मेट्रो स्टेशन से जैसे ही हम पहुंचे इस मार्केट में, तो ये जो सामने आप देख रहे हैं यही था मेन गेट, और यहाँ से हमें एंटर करना है। और इंटर करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को यहाँ पर मिला। अगर बात करें आपको कैसे पहुंचना है, तो लाजपत नगर मार्केट दिल्ली मेट्रो के पिंक और वॉयलेट लाइन पर स्थित लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा यहां पर बसें और ऑटो रिक्शा भी उपलब्ध होती है, जिसे यूज करके आप इस मार्केट में आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आप इस मार्केट में देख सकते हैं, अभी हम आ चुके थे यहाँ पर, दिन का समय है, और दिन के समय में भी आप यहाँ पर रश देख सकते हैं, काफ़ी ठीक ठाक है। और आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे बेडिंग से रिलेटेड, बेडिंग कलेक्शन आइटम बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। बेडिंग से रिलेटेड अगर आपको शॉपिंग करनी है, तो बहुत सारे यहाँ पे वैरायटी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो आप शॉप देख रहे हैं, ये है अंदर में था, मतलब कि अंडरग्राउंड जिसको आप बोल सकते हैं, बेसमेंट में था। और वहाँ जाकर हम देखें तो ये सारे लहंगे वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे थे। और उसके बाद हम बाहर आ गए, और बाहर आकर आपको हम ये सारा कुछ आपको दिखा दें। ये आप देख सकते हैं मार्केट कैसा दिखता है। यह मार्केट दिल्ली के दक्षिण हिस्से में स्थित है, और यहाँ का माहौल बहुत ही रंग बिरंगा होता है। लाजपत नगर मार्केट मुख्य रूप से कपड़े, ज्वेलरी, एसेसरीज, फुटवेयर और होम डेकोर आइटम्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई तरह के स्टॉल और दुकानें हैं, जहाँ ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरह के आइटम्स मिल जाते हैं। मतलब कि अगर आपका बजट अच्छा खासा है, तो आप ब्रांडेड की ओर जा सकते हैं, और अगर आपका बजट जो है कम है, तो आप नॉन ब्रांडेड कपड़े का भी लाभ ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मैरिज वगैरह आने वाली है, तो आप यहाँ पर आकर शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एथनिक, वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स की काफ़ी भरमार है। ख़ास तौर पर शादी और त्योहारों को कपड़े खरीदने के लिए यह जगह काफ़ी फेमस भी है। फुटवेयर की बात करें, तो यहाँ आपको हर तरह के सैंडल, जूते, चप्पल वगैरह काफ़ी अच्छे डिजाइन्स और अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे पैसे आपको कितने लगेंगे, तो आपको बता दूँ यहाँ पे मिक्स मार्केट है, मतलब कि सस्ता से लेकर महंगा तक। जी हाँ, अगर आप अपने घर के लिए होम डेकोर और फर्निशिंग आइटम देख रहे हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कई आइटम्स ऐसे मिलते हैं, जैसे कि कुशंस, बेड शीट्स, पर्दे, इसकी काफ़ी यहाँ पे भरमार है। और सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस गर्ल्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये देखिए सामने आपको पर्स दिख रहा होगा, और ये देखिए बीच में भाई साहब ये टी शर्ट बेच रहे हैं, जो कि 600 का टू पीस बता रहे थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल लगा हुआ है, और सेल का रेट 600, 500, 400, 300, 200, हर तरीके का यहाँ पे सेल आपको देखने को मिल रहा है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये है फूड आइटम्स, करी चावल, राजमा चावल, छोले चावल। अब देखिए मार्केट में अगर आप शॉपिंग करते हैं, तो भूख तो आपको लगेगा ही, और जब भूख लगेगा तो आप ऐसे आइटम की तलाश में आगे निकल चलेंगे। और यहाँ पर ये भाई जो है नींबू पानी बनाकर पिला रहे थे, और हमें लग गई थी चल चल के प्यास, तो एक गिलास यहाँ से नींबू पानी पिया मैंने। चलिए अब बात करते हैं टाइमिंग की। तो लाजपत नगर मार्केट सप्ताह के सातों दिन खुला रहता है, पर सोमवार को कुछ दुकानें बंद रहती है। ख़रीदारी का समय आमतौर पर सुबह 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होता है। अगर आप हमारी सलाह मानें, तो मोल भाव करना ना भूलें। यहाँ मोल भाव बहुत चलता है, खासकर छोटी दुकानों में तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। कहीं कहीं फिक्स रेट, जहाँ पे फिक्स रेट है वहाँ पे तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले ही फिक्स रेट का बैनर लगा चुके हैं। और भीड़ भाड़ से बचें, छुट्टी के दिन और त्योहारों सीजन में यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, तो सुबह का समय
शॉपिंग के लिए बेहतर होता है, क्योंकि सुबह के समय आपको रश जो है कम मिलेगा। अगर वही आप शाम के समय यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट में दोनों साइड दुकानें सजी हुई है, और ये गर्ल्स के लिए आइटम्स हैं यहाँ पे देखिए काफ़ी है। यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह या फैशन ज्वेलरी है, जो कि असली नहीं है, मतलब गोल्ड का नहीं है और ना ही सिल्वर का है, ये फैशन ज्वेलरी इसे बोलते हैं, वो है यहाँ पे। और ये देखिए नई नई मैरिज होती है तो आप यहाँ पे चूड़ा वगैरह ले सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पेमेंट का, कि पेमेंट आपको यहाँ पे कैसे करना होता है। तो कई सारी दुकानों पे तो आपको UPI वगैरह अवेलेबल है, कुछ ही दुकानें ऐसी होगी जहाँ पे आपको कैश की ज़रूरत होगी, ठीक है, वो वहाँ पे आपको बोलेंगे कैश चाहिए, तो आप कैश भी अपने साथ रखें, क्योंकि कैश रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास UPI पेमेंट है तो कोई चक्कर नहीं है, UPI भी यहाँ पे मोस्टली ऑल शॉप पे अवेलेबल होती है। तो वीडियो में आगे बने रहिए, आपको जो जो चीज़ें देखने को मिलेगी आप यहाँ पे आइडिया ले सकते हैं। एक बार मार्केट विजिट आप भी कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद, अगर आपको कुछ यहाँ काम की चीज़ें लगती है तो आप ज़रूर शॉपिंग करिए। देखिए 50 रुपीज़ में यहाँ पे ये सारी आइटम कोई भी आप पिक कर सकते हैं, ओनली 50 रुपीज़।